नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि JKSSB ने कुछ दिन पहले हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पोस्ट थी उनके लिए एक CBT एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, जो कि 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 तक वो एग्जामिनेशन चला था। उसके रिगार्डिंग JKSSB ने उसकी जो आंसर की है वो भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। हम उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पूरे आंसर्स को कैसे चेक कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि JKSSB के द्वारा कोई क्वेश्चन उसमें गलत पूछा गया या किसी क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे वो रॉन्ग थे, तो आप अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपना जो ऑब्जेक्शन है वो कैसे फाइल कर सकते हैं, मैं आपको लाइव यहाँ पे कंप्लीट डेमो देने वाला हूँ। इससे पहले हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो JKSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर की नोटिस, तो जहाँ पे JKSSB ने सब्जेक्ट में कहा है आंसर की एंड सीकिंग रिप्रेजेंटेशन इफ एनी टू द कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट। किसी भी कैंडिडेट जो भी जिन्होंने ये एग्जामिनेशन दिया है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि JKSSB के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर्स जो ऑप्शन थे वो वहां पे सही नहीं, आंसर शीट को कैसे चेक कर सकते हैं, और उसके बाद अपने ऑब्जेक्शन को अगर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो जहां पे JKSSB ने उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाला है, तो जहां पे आप देख सकते हैं द J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त 2021 तक ये एग्जामिनेशन चला था। इसकी जो आंसर की है वो अभी हम डाउनलोड करेंगे, जो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपनी आंसर की को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उसका जो लिंक है वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ पॉपअप हो रहा है। उसके लिए भी जो टाइमिंग रखा गया है वो आज से, यानी कि 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आप उस आंसर की को देख सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई भी आपका ऑब्जेक्शन है जो आप सबमिट करना चाहते हैं JKSSB को वो भी कर सकते हैं। सिर्फ 3 दिन तक लाइव रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल इसमें दी गई है। अब चलिए हम सीधे चलते हैं कि आप अपना उसमें लॉगिन करके कैसे आप अपनी आंसर की को कैसे देख सकते हैं, अपने ऑब्जेक्शन को कैसे फाइल आउट कर सकते हैं, और सारी डिटेल मैं आपको लाइव वहीं पे देने वाला हूं। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप से किसी ब्राउज़र को ओपन करके उसकी सर्च बार में टाइप कर दें JKSSB। पहला ही लिंक जो आपके सामने आएगा आप जहाँ पे देख सकते हैं JKSSB.NIC.IN, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे जहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स शीट, आंसर की एंड सीकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू CBT एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली आपको जहाँ पे क्या करना होगा, अपना रोल नंबर जहाँ पे एंटर करना होगा, जहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा। इस कैलेंडर पे क्लिक करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को जहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जहाँ पे रहेगा सिलेक्ट द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसके लिए भी आगे कैलेंडर दिया गया है। आप जैसे ही कैलेंडर पे क्लिक करेंगे जहाँ से आप अपनी डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट आपके सामने जहाँ पे रहेगा आपका जो बैच था वो कब था, तो जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे बैचेस की डिटेल आ जाएगी, 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच में था, जहाँ कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में जो भी आपका बैच होगा वो आप जहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया गया होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैप्चा दिया गया होगा वो आपने जहाँ पे एंटर करना है। अगर कैप्चा पढ़ने में कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है तो कैप्चा के आगे एक आपको ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन होगा, आप इस पर क्लिक करके अपने कैप्चा को जहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम अपने जहां पे डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हम जहां पे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, तो जहां पे आप देख सकते हैं इन द क्वेश्चन पेपर व्यू करेक्ट अल्टरनेटिव इज हाईलाइट इन ग्रीन, कि जहां पे जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, जो आंसर की देखेंगे, उसमें जो भी ग्रीन में होगा, ग्रीन में सिलेक्ट होगा, वो उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और आपने जो ऑप्ट किया होगा वो ब्लू कलर में होगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं अगर आपने ग्रीन को ही सिलेक्ट किया है तो वहां पे होगा कि आपका और जो सही आंसर था वो मैचिंग है। इसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ऑप्शन के रिगार्डिंग, तो आपने ऑब्जेक्शन फील्ड को क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑब्जेक्शन फील्ड को क्लिक करेंगे आपने अपने ऑब्जेक्शन को कैसे रेज करना है वो भी हम जहां पे देखेंगे। जहां पे आप देख सकते हैं हम अपना जो ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही एंटर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 कहा गया है ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड ओनली अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड देयर अल्टरनेटिव्स। ऑब्जेक्शन जो होगा वो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और उनके जो अल्टरनेटिव ऑप्शन थे उनके रिगार्डिंग ही होगा। स्टेप नंबर 7 में कहा गया है ऑब्जेक्शन वंस सबमिटेड कैनॉट बी एडिटेड लेटर। तो एक बार आप अपने ऑब्जेक्शन जहाँ पे सबमिट कर देंगे उसके बाद आप उनको एडिट नहीं कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8 में कहा गया है वंस सबमिटेड न्यू ऑब्जेक्शन कैनॉट बी एडिटेड लेटर। इसलिए आपने सबसे पहले अपने आंसर की को देखना है, जितने भी ऑब्जेक्शन आप रेज करना चाहते हैं वो आपने देख लेने हैं, उसके बाद ही आपने अपने ऑब्जेक्शन को सबमिट करना है। अगर आपने एक ही ऑब्जेक्शन को सबमिट किया और उसके बाद आप अपने दूसरे सब जो ऑब्जेक्शन है उनको आप सबमिट नहीं कर सकते, आपने एक साथ सभी ऑब्जेक्शन को जहाँ पे सबमिट
सबमिट करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपने सबमिट कैसे करना है। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो नेक्स्ट टैब है वो जहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो जहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ पे सेक्शन आपको चूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं हम जहाँ पे सेक्शन वन को चूज़ कर लेंगे। तो इसके बाद जहाँ पे आपने देखना है कि आप सेक्शन वन से कौन से क्वेश्चन को जहाँ से उसके लिए ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर जहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा सिलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करके, जहाँ से आप देख सकते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या थी। उसमें आप जहाँ पे देख सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन था, रॉन्ग आंसर था, मल्टीपल आंसर्स थे, अदर्स थे, जो भी आपको रेलेवेंट जहाँ पे ऑप्शंस लगता है वो आपने जहाँ पे चूज़ कर लेना है। और उसके बाद आप जहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन में आपने जहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से आप उसको ऑब्जेक्शन करते हैं, क्या आपके पास उसके एविडेंस हैं। नेक्स्ट आप जहाँ पे देख सकते हैं आप जो आपने ऑब्जेक्शन जहाँ पे रेज किया है उसे आप डिलीट कर सकते हैं। और आपने जब एक ऑब्जेक्शन जहाँ पे रेज कर दिया, एक ऑब्जेक्शन कर दिया, अब आपके ऑब्जेक्शन जो है वो एक से ज़्यादा है, तो नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट जहाँ पे आपको कैसे करना है, सिंपली आपको ऐड करना, आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शन हैं जो आप रेज करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑब्जेक्शन पर क्लिक करते जाएंगे। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कितनी रोज जहाँ पर बन गई हैं। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जितने भी आपके पास क्वेश्चन हैं जिनके ऑब्जेक्शन आप रेज करना चाहते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं और उनको जहां पे ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। डिस्क्राइब करने के बाद फाइनली आप सारा कुछ करने के बाद आपने अपने डाटा को जहां से क्या करना है, सेव करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपके द्वारा जितने भी ऑब्जेक्शन पुट किए गए होंगे वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके किसी भी सिस्टम में चले जाएंगे जहां से आपके उन ऑब्जेक्शन को टेक ओवर किया जाएगा। कि अपने ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले आप अपनी आंसर की को देख लें, उसे डाउनलोड कर लें। सबसे पहले मैं आपको जहां पे बताऊंगा कि आप अपनी आंसर की को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसका प्रिंटआउट कैसे ले सकते हैं और अपने सारे आंसर्स को कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक हियर टू व्यू अटेम्प्टेड क्वेश्चन पेपर। तो आपने जो क्वेश्चन पेपर किया है उसके कौन कौन से आपके आंसर सही हैं उसको आप कैसे देख सकते हैं, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो भी हमने अपना पेपर अटेम्प्ट किया था वो हमारे सामने जहाँ पर आ जाएगा, जो भी उसके करेक्ट ऑप्शन है वो भी जहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि ग्रीन कलर में होंगे, और जो ऑप्शन हमने वहाँ पे ऑप्ट किया होगा वो भी जहाँ पे आप देख सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन जहाँ पे JKSSB के द्वारा गलत पूछा गया है, कौन से ऑप्शन जहाँ पे गलत दिए गए हैं, आप जहाँ से सबसे पहले उनको चेकआउट कर लीजिए। जिस तरह से आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आप जहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या था और जो आपने ऑप्ट किया वो भी बिल्कुल सही किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उसका जो करेक्ट आंसर क्या था और आपके द्वारा जो चूज़ किया गया वो कौन सा ऑप्शन था। इस तरह से आप इस सब चीजों को देख सकते हैं। और आपको कहीं पे लगता है कि JKSSB के द्वारा ये ऑप्शन गलत दिए थे, ये क्वेश्चन गलत था, तो उसके लिए आप उसकी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि आप इसका प्रिंट आउट कैसे लें। जहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी आंसर की के सबसे टॉप पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रिंट, आप इस पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस में इस PDF को सेव कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। तो जहां पे आप देख सकते हैं सेव एज ए PDF, तो जहां पे उसके पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, किस तरह आप इसको सेव करना चाहते हैं। इसके टोटल पेजेस जो 17 पेजेस हैं वो आप जहाँ देख सकते हैं। और आपको जहाँ पे राइट साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा PDF, तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके फाइल मैनेजर में इसको सेव करने का जो प्रोसेस है वो जहां पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही वो यहां पे एक ऑप्शन आएगा तो जहां पे आप देख सकते हैं कि आप इसको कैसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम कर लो, नहीं करना आप तो सिंपली आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल फ्री है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में आपको भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट मैं इसी मोटिवेशन के साथ आपकी हेल्प करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी एक न्यू अपडेट के साथ।